अगर आपको अपने गुड़हल से ऑल टाइम फूल चाहिए, यानी कि ठंडी में भी उससे अच्छी मात्रा में फूल चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से इसी साइज में आप देख सकते हैं साइज इसकी कितनी बड़ी है। और देखिए बिल्कुल शाम का समय है और आप साइज को देख लीजिए कितनी अच्छी साइज है, बड़े साइज की। फूल भी जल्दी नहीं कुमिलाएंगे तो पूरी ठंडी आपको इसी तरीके से फूल मिलेगा। तो इस समय यानी कि अक्टूबर या तो फिर नवंबर तक आपको इस चीज़ को दे देना है। तो यह क्या चीज़ है, इसकी क्या मात्रा रखनी है, यह सब मैं बताऊंगी। गुड़हल में ही नहीं, पारिजात में भी बराबर की मात्रा में आपको हमेशा फूल मिलते जाएंगे। आपको दो तीन महीने तक इसी संख्या में फूल मिलेंगे। पौधा नया नया ब्रांच भी देगा, अच्छे ग्रोथ लेकर के चलेगा और हर ब्रांच बहुत ज़्यादा कलियों के साथ रहेगा। तो करीब सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन आपको इस चीज़ से फूल मिलेंगे। आप ज़रूर इसका प्रयोग इस समय कर दीजिए। कनेर में नए नए हमेशा कलियां बनती जाएंगी, इसी चीज़ से आप देख सकते हैं बराबर कलियां बनती जाएंगी। तो आपको नवंबर तक ज़रूर दे देना है इस चीज़ को, चाहे वो किसी भी वैरायटी का कनेर हो, चाहे लाल वाला हो या फिर पीला वाला हो। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, आप देख सकते हैं कलियां बराबर मिलती जाएंगी और फूल की साइज भी अच्छी होती जाएगी। बोगनवेलिया में भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। एक फूल ख़त्म होगा और पौधा दूसरा कली बनाना शुरू कर देगा। अगर आप अपने गार्डन में नींबू के प्लांट लगाए हैं, नींबू में भी अच्छी फ्रूटिंग आपको चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं इसका प्रयोग अक्सर करके अपने नींबू में भी करती हूँ। तो चाहे नया पौधा हो, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल नया पौधा है, अभी हम इसको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिए हैं, लेकिन यह चीज़ आपको इसको बहुत ही बेहतर रिजल्ट और आगे फ्लावरिंग के लिए देगा। तो ठंडी में या बिल्कुल भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा इस चीज़ से। गुलाब में भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में इसमें गुलाब खिले हुए हैं और हर ब्रांच कलियों से भरा हुआ है। तो मैं समय समय पर इसको देती रहती हूँ, लेकिन ख़ास तौर से इस समय इसे देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे भी पूरी ठंड आपका पौधा बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा। कनेर में तो इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं इसको जो है हमेशा डालती रहती हूँ, समय समय पे आपको देना रहता है। बहुत जल्दी जल्दी आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस समय पे इसे ज़रूर देना चाहिए। दो महीने के बीच में आप कभी भी इसको दे सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का रिजल्ट देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा और बेहतर रिजल्ट आपको आगे भी इसी तरह से मिलता जाएगा। देखिए कलियां साइज भी बहुत अच्छी इससे जो है मिलेगी। तो चलिए फिर हम इसको देने का पूरा तरीका आपको बता देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। तो हमें अपने पौधे को ठंडी के लिए तैयार करना है। पौधे जो है ठंडी में भी इसी तरह से फ्लावरिंग करे तो यह चीज़ें तो देना बहुत ही कंपल्सरी। तो उसके लिए आपको चाहिए, हम पांच पौधे में करीब इतना डालेंगे, तो यह जो है दो चम्मच ले लिए हम, और इसके लिए हमें लेना है करीब सात आठ लीटर के करीब पानी। तो देखिए हम इसको दो दिनों से इसी में जो है पानी में डाल दिए थे। अब आप देख करके पहचान गए होंगे यह क्या चीज़ है। तो यह है कॉफ़ी, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी कॉफ़ी है। क्यों गाढ़ी है, क्यों हम इतने दिनों तक इसको रखे हुए थे, यह भी हम आपको बताएंगे। तो इसको तत्काल में तुरंत पहले नहीं डालना है आपको, इसलिए नहीं तो हम तुरंत घोल करके ही बनाकर डाल दिए होते। आप एक शीशी ले लीजिए और इसमें दो चम्मच के करीब कॉफ़ी डाल दीजिए। मैं डालते समय वीडियो नहीं शेयर कर पाई,
जल्दी में मैं भिगा दी थी क्योंकि मुझे अपने पौधों को देना बहुत ही कंपल्सरी था। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो यह 2 बड़ा चम्मच काफ़ी है, इसे हम 2 दिन पहले ही इसको इसमें भिगा दिए थे। जब आप ठंडी के लिए दे रहे हों तो आपको यही काम करना है, तत्काल आपको घोल करके नहीं डालना है। उसके बाद इसमें हम दूसरी चीज़ और एक ठो डाले थे, देखिए ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। तो यह है देखिए इस तरह से, अब हम इसको इसमें ऐड कर दिए इतने पानी में पूरा। सिर्फ ये काफ़ी ही नहीं है, दूसरी यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यह भी है दालचीनी। आप देख सकते हैं दालचीनी का पाउडर है, मैं अक्सर करके 10-20 रुपए का दालचीनी पीस करके और रख लेती हूँ। तो मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं डाल देती हूँ। तो इसमें 2 बड़ा चम्मच काफ़ी था और 1 बड़ा चम्मच दालचीनी हम इसी में डाल करके भिगा के रख दिए थे बंद करके। क्यों बंद करके रखे थे? क्योंकि इसमें हम काफ़ी जैसे बड़ा पैकेट मंगाते हैं तो रख भी लेते हैं, तो इस तरह से हम बीच बीच में इसको चला रहे थे। बीच बीच में चलाने से आपस में दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, जो हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम जो है इसमें डाल दिए। अब डालने के बाद अब हम इसमें कुछ डालेंगे नहीं, क्योंकि 2 दिनों से यह लिक्विड हम बना करके रख दिए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही बेहतरीन टॉनिक हमारे पौधों के लिए तैयार हो गया है। तो आप लास्ट अक्टूबर तक आप इसको दे दीजिएगा ज़रूर से, अगर अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं तो। और आपको ठंडी से पहले ही अपने पौधों को तैयार रखना है, यही कारण होता है कि हमारे पौधों के फूलों की साइज छोटी नहीं होती है। तो चलिए इसको डालने का भी हम जो है पूरा तरीका दिखाते हैं कि कितना हमको मात्रा डालना है। तो जो ताकत हमारे पौधे को चाहिए वह जो है काफ़ी देगा, और दालचीनी जो है पौधे की मिट्टी में बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं लगने देगा, क्योंकि बरसात की समाप्ति है और ठंडी का आगमन है। तो इसे देना इस समय पे बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपका पौधा रहे, तो देखिए यह हमारा बड़ा पौधा है तो हम इसमें करीब 1.25 लीटर के करीब दे रहे हैं। अगर आपका बहुत छोटा पौधा है जैसे हमारा यह पौधा है, अभी हम इसको लगाए हुए हैं, तो हम इसमें सिर्फ देंगे यह 200 ग्राम। आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको चारों तरफ मिट्टी में गिरा देना है, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह के इस पौधे में हम देंगे करीब 0.5 लीटर, ज़्यादा हम नहीं इसमें देंगे, 0.5 लीटर देंगे, क्योंकि यह उससे छोटा पौधा है। तो कहीं भी गिराइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि इसकी हर तरफ से चारों तरफ मिट्टी में इसके मिल जाए, यह आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से देखिए हमारा बिल्कुल सटा हुआ, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक है तो हम इसी तरह से डाल रहे हैं। अगर यह कहीं रसायन होता तो भला हम इस तरह से इसको डाल पाते? ऐसा दीजिएगा कि चारों तरफ से हर रूट्स को मिल जाए, क्योंकि गुड़हल में दिख नहीं रहा था तो मैं आपको इसमें दिखा दे रही हूँ, हर रूट्स को मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप पारिजात को भी दे देंगे ना, तो नए नए ब्रांच आएंगे और जनवरी तक यह पौधा आपको फूल देगा, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ही अच्छे मिनरल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि हमारे पारिजात के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसे भी हम दे देते हैं करीब 2 से 3 गिलास। तो इस तरह से जो बचे हैं थोड़े थोड़े से हम इन शिमला मिर्च वगैरह में, ये उल्टा मिर्च है, टमाटर वगैरह सब में डाल देंगे थोड़े थोड़े। तो इस तरह से आप अपने पौधों से बहुत ही अच्छा खासा फूल लेंगे आगे ठंडी में भी, और फूल की साइज़ भी आपको अच्छी मिलेगी। आप हमारे पुराने वीडियो को जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फिर ज़रूर दीजिएगा, और देने का जो तरीका मैं बताई हूँ उसी तरीके से दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।